नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SBN न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले एक ऐसी खबर सामने आई है जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। खबर जो है वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा जो चुनाव लड़ा जाएगा वो लड़ा जाएगा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश के प्रदेश जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व का बात कही। इसके साथ ही साथ देखने को मिल रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जो जोरदार झटका बीजेपी को लगा, कई बड़ी सीटों पर बीजेपी हार गई चुनाव, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर कोरोना देखने को मिला, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, तमाम तरह से कई चीजों की कमी देखने को मिली, उस पर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घिर गए थे। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो खबरें यहां तक सामने आ चुकी है कि जो प्रदेश जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं बल्कि पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और इसके लिए तैयारियां जमकर की जा रही संघ की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। चलिए, क्या कुछ कहती है स्थितियां देखिए। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज है। राजनीतिक दलों के बीच नहीं, सत्ताधारी दल के अंदर ही दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मची हलचल ने सरगर्मियों को उफान पर पहुंचा दिया है। संघ परिवार और बीजेपी आलाकमान इस अंदरूनी उफान को अपने संगठन की चहर दीवारी से बाहर नहीं आने देना चाहते, लेकिन कयासों का झाग प्रदेश की राजधानी से राष्ट्रीय राजनीति तक छलक रहा है। राष्ट्रीय फलक पर धूम केतु की तरह पीएम मोदी की तरह छा जाने के बाद पहली बार किसी बीजेपी शासित राज्य में चुनाव से पहले कील कांटे दुरुस्त करने के लिए बीजेपी समेत पूरे संघ परिवार को जुटना पड़ा है। प्रदेश में नेतृत्व या हनक को लेकर तो रसाकसी पूरी शिद्दत से चल रही है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साल 2014 के बाद पहली बार किसी राज्य में सरकार संगठन में समन्वय और भागीदारी का मुद्दा उठ रहा है। साथ ही मंत्रियों से लेकर संगठन तक उनके कामकाज का ब्यौरा भी लिया जा रहा है, जिससे राज्य के मुख्यमंत्री भी अलग नहीं है। ऐसे में खबरें ये सामने आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश का जो अगले विधानसभा चुनाव होगा वो चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं बल्कि पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। जी हाँ, अंदर की जो खबरें निकलकर सामने आई हैं वो ये हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, और इसके लिए कई बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। बीजेपी के लिए केंद्र में आने का रास्ता हमेशा उत्तर प्रदेश से होकर ही आता है। ऐसे में संघ परिवार और बीजेपी मंथन अस्वाभाविक नहीं, मगर उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले दिल्ली में हुई संघ बीजेपी की हाई प्रोफाइल बैठक के बाद से जिस तरह से लखनऊ सरगर्म है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनसे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि बीजेपी नेतृत्व इस राज्य को लेकर कितना चिंतित है। इस पूरी उठापटक और कवायद से राज्य की बात आपको बताएं, उससे पहले आपको चिंतन के लिए कुछ सवाल। कुनबे में से सब कुछ ठीक है, हम सब साथ हैं, अफवाहें विरोधियों की साजिश है। सियासत में अगर इस तरह के राजनीतिक दल के बड़े लोगों का बयान देना पड़े तो इसका मतलब क्या है? अब कोई चिल्लाकर अपने रिश्ते के सही होने का सबूत तो नहीं देता? आखिरकार उत्तर प्रदेश बीजेपी में क्या होगा, क्या बदलाव होंगे? बदलाव होंगे तो किस हद तक होंगे? सबसे बड़ा सवाल, चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? इसके जवाब में देखने को मिला है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान ध्यान में रखा जाए। मौर्य ने दावा किया कि हम प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 300 सीटें जीतेंगे। मौर्य ने यह बयान तब दिया जबकि राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के सभी मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ चर्चा की थी। मौर्य उनसे मिलकर निकले थे तो पत्रकारों के सवाल पर ये बयान दिया था। सवाल ये है कि सीएम के होते हुए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव क्यों लड़ा जाएगा? वैसे मौर्य पर लगातार कतरने में योगी आदित्यनाथ ने
कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। चूंकि 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब मौर्य ही पार्टी अध्यक्ष थे और योगी सिर्फ सांसद थे। मौर्य को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा था, लेकिन तब आलाकमान ने योगी पर भरोसा जताया था। मौर्य और योगी के मतभेदों को छोड़ दें तो भी पीएम मोदी के खास नौकरशाहों में एमएलसी बने एके शर्मा की भूमिका को लेकर भी प्रदेश में टकराव साफ देखने को मिलता था। पहले तो सीएम कार्यालय में उन्हें समय तक मिलने का इंतजार कराया गया, अभी प्रदेश मंत्रिमंडल में भी उनकी भूमिका को लेकर खासा गतिरोध रहा है। हालांकि उनका कैबिनेट में आना तय है, लेकिन उनके विभाग को लेकर भी सवाल बने हुए और टसल भी। शर्मा को जरूरत से ज़्यादा तवज्जो दिए जाने पर भी योगी खेमे के लोग खासे उद्वेलित दिखाई दे रहे हैं। सीएमओ और बीजेपी संगठन में कभी नज़दीकी दिखना तो दूर हमेशा दूरी ही दिखाई देती रही। यहाँ तक कि मंत्री और विधायक भी सीएम कार्यालय के नज़दीकियों के चक्रव्यूह को भेद कर सहज संवाद में असफल रहे। यह मुद्दा भी लगातार उठता रहा है। सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को किनारे कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि पार्टी आलाकमान ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं जो अब देखने वाले जरूर होंगे। तो देखा आपने कि स्थितियां क्या कुछ कह रही है, रिपोर्ट्स क्या कुछ कह रही है, और कुल मिलाकर अगर बात करें तो फिलहाल उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि अगर दिल्ली का रास्ता तय करना है तो उत्तर प्रदेश से होकर आना पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव हारती है तो समझिए साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए जीतना इतना आसान नहीं है। खास तौर पर अगर हम बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के समय जिस तरह से बीजेपी को झटका लगा, बीजेपी के कई नेताओं की जमानत तक जब्त हो गई पंचायत चुनाव के दौरान, तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कैसा रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो फिलहाल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कांटों भरा है बीजेपी के लिए। और अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगता है और योगी आदित्यनाथ चुनाव हारते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि दिल्ली का रास्ता सीधे सीधे बीजेपी के लिए बंद हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है। और देखा जाए तो दिल्ली का जो रास्ता हमने आपको बताया वो उत्तर प्रदेश से होकर आता है। यही वजह है कि संघ बीजेपी और तमाम बीजेपी के नेता मंथन कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चर्चाएं चल रही हैं, बैठकों का दौर जारी है कि कैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीता जाए। लेकिन अब क्या देखना होगा कि क्या इस जो चुनाव है इसमें जीत हो पाएगी बीजेपी की या नहीं। लेकिन स्थितियां जो है वो ये बताती हैं कि फिलहाल बीजेपी के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनता का मूड जिस तरह से बदला है इससे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए नमस्कार।